ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो इन दिस सेशन वी वुड गो एंड डिस्कशन द टाइप्स ऑफ मोशन। यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड मार्च पास्ट ऑफ द सोल्जर इन अ परेड ऑफ द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन। व्हाट काइंड्स ऑफ द मोशन इज दिस? यहाँ बोला गया है कि जब आपने ऑब्जर्व किया मोशन को, जब कोई भी व्हीकल जो है स्ट्रेट रोड पर चल रही होती हैं, सोल्जर का जब परेड निकलता है, परेड मार्च चलती हैं, फॉलन ऑफ स्टोन, पत्थरों को गिरना, व्हाट काइंड्स ऑफ द मोशन इज दिस? अब जितने भी हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिए वो किस प्रकार के मोशन को शो करते हैं। ओके, एन स्प्रिंटर्स इन 100 मीटर रेस आल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। और उनको भी बोला गया है जो धावक होते हैं, यानी कि जो रेसेस में पार्टिसिपेशन करने वाले प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ियाँ होते हैं, वो 100 मीटर रेस को मूव करती हैं स्ट्रेट ट्रैक पे, तो उनकी मोशन कैसी है? कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल फॉर योर सराउंडिंग? क्या आप और बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में सोचते हैं जो नॉर्मली कंप्लीट होते हैं आपके अगल बगल? तो आप इनके बारे में सोचते हैं बेटा कि नहीं? आप जो है इसका आंसर आप बता सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो आप जो है यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं कैसे हैं। ओके बेटा, तो नेक्स्ट दिए देखिए, ये कुछ दिए गए हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ऑल दिस एग्जांपल वी सी द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो जितने भी हमने एग्जांपल अभी देखे और ये सारे एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वह स्ट्रेट लाइन के लिए हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन। तो जो स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन कंप्लीट होती है ऑब्जेक्ट के द्वारा कंप्लीट की जाती हैं और स्ट्रेट लाइन पे होती हैं, तो इस तरीके के या इस टाइप के मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट द एक्टिविटी नंबर 7। टेक स्टोन टाइट 3 feet टू इट एंड वर्ल इन विथ योर हैंड। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन। वी सी दैट द स्टोन मूव अलोंग अ सर्कुलर पथ। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन द सेम। दिस टाइप्स ऑफ द मोशन इट इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। अब एक्टिविटी 7 पे अपन लोग देखेंगे कि आपको एक पत्थर लेनी है और उस पत्थर को एक धागे से टाइट बांध देना है, जिसका एक सिरा जो है पत्थर से टाइट बंधा हुआ है और उसका दूसरा सिरा जो है आपके हाथ पे रहेगा। ऑब्जर्व करिए उस तरीके अब मोशन को और उसको घुमाइए खूब, और आप थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि जो पत्थर है वह घूम रहा है रस्सी की हेल्प से। आप जो है ऑब्जर्व करनी है उस मोशन को आपको। वी सी दैट द स्टोन मूव अलोंग अ सर्कुलर पथ। अब हम लोग को देख सकते हैं कि जो स्टोन है बेटा वह क्या हो रही है, सर्कुलर पथ पर क्या कर रही है, घूम रही है। इन दिस मोशन द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन द सेम। तो इसमें बोला गया है कि इस प्रकार के मोशन को जिसमें डिस्टेंस ऑफ द स्टोन मतलब पत्थर का जो डिस्टेंस है आपके हाथ से वो रिमेनिंग द सेम, वो दूरी सेम है, तो इस तरीके के जो मोशन है उसको सर्कुलर मोशन कहा जाता है। और यदि आपको समझ में वो पत्थर वाला चीज़ ना आया हो तो आप एक और देख सकते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिए गए हैं, देखिए ये फिगर में दिखाया गया है कि एक बैल है, ऑक्स है, वह चारों साइड घूम रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, ये कर रहा है, तो इस तरीके के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड ना। एंड सम ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन, और उसमें से कुछ और ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन के अंडर में ही आते हैं, जैसे कि आप यहाँ इलेक्ट्रिक फैन देख सकते हैं, वहाँ मुर्गे वाला जो डायग्राम दिया गया उसको देख सकते हैं, तो ये सब क्या है, सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हैं। ओके, द मोशन ऑफ ए पॉइंट मार्क ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो जो इलेक्ट्रिक फैन है और क्लॉक का हैंड्स ऑफ कॉक है वह दोनों ही सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हैं। द इलेक्ट्रिक फैन और द कॉक बाय देमसेल्फ आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फैन है और दूसरा क्लॉक है वह अपने आप से ही मूविंग नहीं करते फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट द ब्लेड ऑफ द फैन रोटेटेड एंड सो डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। इफ वी मार्क अ पॉइंट एनी वेयर ऑन द ब्लेड ऑफ द फैन or their hands of a clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotated. Okay, बेटा,
तो यहाँ बोला गया है कि दोनों ही कंडीशन पे अपन लोग यदि कुछ मार्क कर देते हैं इलेक्ट्रिक फैन के किसी एक हिस्से पर और दूसरा क्लॉक हैंड्स पर, तो वो इक्वल डिस्टेंस होता है उसके, सेम सेम द रिमेनिंग डिस्टेंस इज सेम दे रोटेटेड। ओके, बाकी इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.